नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। अभी का ये जो वीडियो इस वीडियो में देखना है, आपका जो डायल गेज होता है, डायल गेज में अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे डायल प्लंजर टाइप डायल होता है, लीवर टाइप डायल होता है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो मशीन दिख रहे हो आप सामने, ये ट्राइमॉस का मशीन है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आपके जो थ्रेड प्लग गेज होता है उसका कैलिब्रेशन कर सकते हो, डायल गेज का कैलिब्रेशन कर सकते हो। तो अभी डायल गेज का कैलिब्रेशन कैसे होता है वो देखना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, उसको अंदर यहाँ पर डायल गेज लगाना है। आप देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने डायल गेज लगाया। डायल गेज लगाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे उसको 00 सेट करना है। आप देखिए यहाँ पे 00 सेट हुआ है। 00 सेट होने के बाद क्या करना है आपको, ये जो मशीन है, मशीन के ऊपर उसको प्रेशर देके आपका जो डायल रहेगा, डायल के ऊपर आपको क्या करना है, 1 माइक्रोन लाना है। 1 माइक्रोन का डायल है वो, उसके ऊपर क्या करना है आपको, 1 माइक्रोन लाना है। देखिए आप यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उसको मूव करके 1 माइक्रोन लाया। 1 माइक्रोन लाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कितने आया, यहाँ पे भी 1 माइक्रोन आया। अगर यहाँ पे 1 माइक्रोन आया, यहाँ पे 1 माइक्रोन आया, तो आपका डायल सही है। फिर उसको वो क्या करेंगे, वापस थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, टोटल एक उन्होंने रिवॉल्यूशन उसको रोटेट किया, और वहाँ पे देखेंगे कितना रोटेशन, मतलब अगर उधर 0.2 हुआ तो यहाँ पे भी 0.2 दिखना चाहिए। तो मतलब इसका ये मतलब है कि आपका जो डायल है वो सही है। इसकी तरह से आप क्या कर सकते हो, आपका डायल गेज का यहाँ पे कैलिब्रेशन कर सकते हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।